बारिशवा के बीच में राजा हरिश्चंद्र राजा की कथा के तो ओ सुना रई के सामासा पेड़ के खेलाना में बाजी आरी गो ओ लाई डेली ओ तेरिया में तो चौपेड़ा काय भी नहीं था, वो गद्यांश को ही सुर देते थे। जैसे अब जिस नरसी का ही गाय तो वो नैनी बाई नरसी की बेटी कह रही कि मैं भात का नोता दे आऊं अपनी सासू से, तो उसको उसमें कोई काय भी नहीं था, वो ऐसे ही गाते थे। ए रे नैनी बाई अपनी सासू ते का ढब से रही रे माताराए हरी तो हर मेरे। अब ये रसिया था, हमारे मीणाओं की संस्कृति थी। अब इसमें कोई तुक नहीं है, ये गद्यांश को ही सुर दिया है। हम जो बात कर रहे हैं उसी को सुर दिया है। और फिर उससे सुड्डा कैसे बना? सुड्डा, ये सुड्डा हमारी संस्कृति नहीं है, ये गुजरों का रसिया है, गुजर गाते थे इसको। हमने ये सुड्डा गाने वाले ने सुड्डा कहने लग गए, तो गुजरों का रसिया है, गुजर गाते हैं इसको। और जगदम्बे जग में बड़ी मैया जग की पालन आर और आज सवा के बीच में मेरी नैया कर जो हाँ नैया कर जो पार भवानी भागी दौड़ी आ जा और या दंगल के बीच में मेरी नैया पार करा जा रे रे दंगाला मेरे ठाकर बाबा तो रे जा तो री जो रे। मैं बहुत पब्लिक में गाऊं पर है ना इसमें सुख साई और नीचे पब्लिक भेड़ी हो गया दंगालन में बहुत तगड़ी कोई एक खेत भर जाए भवानी गाँव का कादक्षर भवानी गाँव गाँव हाँ रे जगमग मंदिर काचन को बनायो केला मैया को गाजा बाजा सुरा खेगी मान गवैया को जगमग मंदिर काचन को बनायो केला मैया को गाजा बाजा सुरा खेगी मान गवैया को हाँ मनायो मैंने सात समंदर कूद लंक में जावाड़ो सीता माता को लंका में पतो लगावाड़ो मनायो मैं सात समंदर कूद लंक में जावाड़ो सीता माता को लंका में पतो लगावाड़ो। रसिया उनमें तो बैरवानी बोले ही, अब इनमें आदमी बोले ढोलक मंजीरा बजावे। तो फिर रसिया क्यों नहीं होता अब? अब दुनिया का कम पसंद है ऐसा, मतलब है ना जुआन ऐसा इन भाई भाई साहब सिर के इनके ना ये अच्छे लगे सुड्डा और बूढ़े बूढ़े इनको रसिया अच्छे लगे ऐसे बात है। तो अब होते ही नहीं, रसिया खत्म ही हो गए, अब कम दंगल हुए नहीं हुए। अब आपकी मम्मी गाती थी ना? और का क्या गाती थी? रसिया गावे ही ने। अच्छा कैसे सीखा आपने?
जी जी गा भाई, जब वो जो बगा भाई, जब मेरे शौक लग गो और मैं गाव लग गई। ये कॉफी में लिख लू मैं, वहां मैं सीख लू इले और काम करता रहू काम करता रहू और सीख भी लू। शाम की देख लू ऐसा सो देते जब ही टाइम मिले मुए आते को जब उनने देख लू इले। मारू ढोला मारू का प्रसंग आता है, वो है मारू का। वो गया है वहां, जब वो दरवाजे के पास में तो दरवाजा उसको देख के हिलने लग गया, श्राप था उसको। तो वो कह रहा कि मैं बाहर आ जाती हूँ, कि नहीं नहीं पर तो सत्रापन घट जाए मैं तो दरवाजे में से ले जाऊंगा। बोले ये हिलने लग गया तुमको देख कर, नहीं मानता है। तो मारू कहती है वहां, मेरे मारे काए कुमरे मेरे ढोला दरवाजो खावे जाके झोला, मेरे मारे बागन में से चली सुता घर को बुध राजा की, और हिलकी भर भर रोय सुरत करके दरवाजा की। बागन से ढोला चलो हो कर हा असवार, महलन में से कह रही बुध की सुता पुकार, बैर पुराने ना पड़े हे याकू बरदान, और जिंदो छोड़ेगो नहीं इस दरवाजो बेईमान। मेरे मारे काए कुमरे ओ मेरे ढोला, ये चलता है डप के साथ पार्टी करती, दरवाजो खावे झकझोला। जब उसको नीचे जमीन पे बैठकर पर्श बिछाकर गाते थे, स्टेज विस्टेज नहीं थी, बाद में स्टेज पर लाया हूँ, माइक भी नहीं थे। पार्टी यहाँ बैठ जाती, चार पार्टियाँ चारों यहाँ बैठ गई, पब्लिक चारों तरफ बैठी रहती, वो पार्टी वहीं गाती थी। हम जैसी जे की क्षमता थी वो पार्टी में खड़ा रहकर ही गाता था, किसी का आवाज़ नहीं थी तो। और मैं उस टाइम भी 10,000 आदमियों को आवाज से कंट्रोल करता था, बाहर पब्लिक के चारों तरफ राउंड देकर गाता था, सारी पब्लिक को देखता हुआ। बाकी संस्कृति तो बहुत पुरानी है, लेकिन इसको जैसे हम गाते थे ऐसे नहीं गाया जाता। जैसे मीरा ने पद गाए, सूरदास ने गाए हैं, तुलसीदास ने गाए हैं, कबीर जी ने गाए हैं, वो भी पद थे, ये भी पद हैं, लेकिन उनकी शैली, वो म्यूजिकल्स थे, उनका उनका धुन दूसरा था। अब इस धुन में परिवर्तन कर दिया हम, इसको एक घेरे पे बड़े डफ पे बजा करके गाते हैं, जबकि वो क्लासिकल में गाते थे, हारमोनियम तबला ढोलक उनसे गाते थे, तो वो धुन दूसरी थी और ये धुन दूसरी। अरे कांसा में का खोट बता चूं रोवे भाभी अबला, वो देवर लाडलो बला मऊ फाड़े बदला, कांसा में क्या खोट बता क्यों रोवे भाभी अबला, देवर लाडलो बला मऊ फाड़े बदला कांसा में। कन्हैया तो 100-125 आदमी गाते हैं, पुराने गाते थे और जब कोई व्याकरण नहीं था, अनपढ़ लोग थे सभी, उसमें गाते थे। वो एक उसका मामला ही दूसरा है उसके गाने का। अब हमारी तो एक एक मात्रा पकड़ ली जाए कैबे में, वो कैबे भी उन कानून उठाए, और जब नौबत और दो घेरे बजें, जब वो कली शुरू हो जाती है
तो चाहे वो कैसी भी भाषा में, लेकिन उसको एकदम से सारी पार्टी 100-125 आदमी एकदम गीत गा के ले गए तो अच्छा लगा। अगर थोड़ा सा भी उसमें डिफरेंस पड़ गया, 100 आदमियों में कोई आदमी आगे पीछे हो गया थोड़ा सा, या साजबाज भी आगे पीछे हो गया, तो गीत पिट गई पार। उसकी ये विधा है। खे बगोया मतलब माटी में ये मलणो चे, माटी में ये मलणो चे। ताल के ये गाड़ी कोई का काल को लागे रे काया का चिकी बना दिन डेता बार को लागे रे डेता बार को लागे। काल के ये गाड़ी कोई का ताल को लागे रे काया कांच की बिना दी डेता बार को लागे डेता बार को लागे। कांच की काया छे कायप तो कद चले जागी, अरे कांच की काया छे कायप तो कद चले जागी, तो सू तो नहीं जी सु लियो चुनड़ा मिंड सारी चीज मिल जागी रे, सारी चीज मिल जागी। कायप तो काया च काच की के दे चल जाएगी रे, जी सू लियो चुनड़ा में सारी चीज मिल जाएगी, सारी चीज मिल जाएगी। क्षेत्र के ऊपर गाने लग गए, जैसे कि ये रामजीलाल जी इनका क्षेत्र है या राजोटी में पड़ता है इनका, ये बाड़ में गांव है तो इनको राजोटी के नाम से जाना जाता है इस क्षेत्र को, और जो हमारा क्षेत्र रामगढ़ पचवारा वो हमारा क्षेत्र पचवारा का आता है। तो फिर ये तो हमारे पचवारा के ऊपर गाते हैं और हम इनकी राजोटी के ऊपर गाते हैं, तो बड़ा आनंद आता है गाने में। ये हमारी कमियां तो ये निकालते हैं और इनकी कमियां फिर हम निकालते हैं। खूबी भी होती है, खूबी भी होती है, दोनों का होता है। मतलब हमारा ऐसा कॉम्बिनेशन हो जाता है कि हम इनसे गाने में बैठ रहे हैं और इनका रहता है कि हम इनसे बैठ रहे हैं। गोदड़िया में सोता देखे मुखमल में सो बाला रे, कामे बीड़िया माल आगा से गेट पी बाला से गेट पी बाला। अरे काल कूद रे दिए से गोड़ के माया भाई, काल को दे रे दिए थे गोड़ के माया रे, सारो पचवारो सोव चो पाटोल के माया रे, वो पाटोल के माया।
थोड़ी बर में दर्द चल जा गोड़ के माया रे सारो पचवारो सोई चो पाटोड़ के माया पाटोड़ के माया गाबा का सा गीत जान सोड़ा में गाजो गाबा का सा गीत जान चोड़ा में गाजो रे अब तो खेता खेता में वे लक दे मुल बेट बया जो रे के दे मुल बेट बया जो गाबा का सा गीत जान चोड़ा में गाजो रे खेता खेता में वे लम दे मल बेट बया जो के दे मल बेट बया जो अरे राजूटी की चाल जिन तो कोड़े जाने चा रे राजूटी की चाल न ते कोड़े जाने चा रे नीचे घाट ऊपर डलो जी पहचान जिन रंग बैल माने चाते जिन रंग बैल माने चा राजोटी की दिली नाकड़म जाड़ हेरियो से अरे अब राजोटी की दिली नाकड़म जाड़ हेरियो से रे में तो सुधर गया राजोटिया थकई बगाड़ हेरियो से थकई बगाड़ हेरियो से दिमाग में वही जैसे कि कोई कुछ पूछ रहा है अपन से तो अपन उसका कैसे उत्तर दे किस प्रकार से और उत्तर भी अपने को बहुत कम टाइम में देना पड़ता है। गीत मात्र 30 या 35 सेकंड में कंप्लीट हो जाता है तो 30 सेकंड में उसके सुनते भी हैं और उसके साथ साथ गाते भी हैं और गाते गाते गीत बना लेते हैं और फिर उसका अच्छा उत्तर पेश करते हैं उनको सामने। पहले तो सब्जेक्ट देते हैं किस सब्जेक्ट पे चल रहा है तो फिर उस सब्जेक्ट के हिसाब से धीरे धीरे कड़ी जुड़ती जाती है आगे बढ़ती जाते हैं आगे बढ़ते जाते हैं। मतलब ये मानो कि एक गाड़ी के दो पहिए हैं जो बरोबर चल रहे हैं बस ये मान के चलो आप है। जहागिरियो को ने अरे यशो गियो इड़ मान्योर में जा जागिरियो को ने रे मुनी बोर खुआबे लियो पण यहाँ के फल लागिरियो को ने रे यहाँ के फल लागिरियो को ने सोगियो इड़ मान्या इरम जो जागिरियो को नेरे मुने बोर खुआब लायो पण फल लागिरियो को नेरे यहाँ के पण फल लागिरियो को ने अरे कोई दिन ही बेड़ा में थारा साई चोर आ जागा अरे बेड़ा में थारी जियाना का चोर आ जागा रे सावन बाद वो आप दे लड़ जड़ बोर आ जागा रे लड़ जड़ बोर आ जागा बेड़ा में थारा जिया कई चोर आ जाएगा रे गण बाद वो आप दे लड़ जड़ बोर आ जागा रे लड़ जड़ बोर आ जागा बोरा के फल मामे लाग जग बराव चकाया अरे ई बोरा के फल मामे लाग जग बराव चकाया रे आम्र लोड़े की पाके चमक सावण बाद वा माया रे सावण बाद वा माया। ये गाबा की कला सिर्फ मीणान के पास में जी तरक वितरक शुरू से है आज से नहीं है बहुत मतलब आदिवासी के टाइम पे जहाँ जो जब जंगलों में रहते थे उस टाइम भी ये पत्रों के ऐसे पत्रों ने बजाते रहते थे गाते रहते थे मतलब मनोरंजन के लिए है ये चीज़। कभी कभी जैसे 10-5 आदमी एक साथ बैठ गए तो पहले कोई साधन नहीं होता था मनोरंजन का तो बातों में जैसे अपने जो ये ढांचे गाते हैं वैसे गा के अपना टाइम पास कर लेते थे मनोरंजन करते थे। धीरे धीरे लोगों में फिर इसका वर्चस्व बढ़ गया तो अब चारों तरफ जब कभी मनोरंजन करने का होता है तो हमको बुला लेते हैं हम चले जाते हैं। राजूटी तो आमा ओड़ी नर चू को जाके रे थारी जी सुई जाके ते कदिया लोड़े की पाके कदिया लोड़े की पाके राजूटी तो आमा ओड़ी नर चुई को जाखे रे थारी जी सुई जाखे चीक दिया लोड़ की पाके एक दिया लोड़ की पाके फाट्या ने सीए गो
गरीबी के माया तो फाटिया ने शीए गोरे मारी चीचड़ा ला गया जन कुण छुडार देव कुण छुडार देगो गरीबी के माया तो फाटिया ने शिव गोरे मारी चीचड़ा ला गया जन कुण छुडार देव गो कुण छोडार देव गो अरे गुगड़िया की राबड़ी चूला पैर नावा आयो गुगड़िया की राबड़ी चूला पैर नावा रे इंड खोल बगा कपड़ा न नया सुहार खंदावा रे नया सुहार खंदावा गोगड़िया की राबड़ी न चूला पैर नावा रे इंड खोल गई कपड़ा ने नया सुमार खावार तो नया दुआर खावा या धूनी को बादलो या मृम छावे की शब्द आ धूनी को बादलो या मृम छावे की रे कपड़ा रामा में खुलावे शर्म तोन कोन आवे के शर्म कोन कोन आवे के जुगाड़ हो गया जैसे मेरे को जुगाड़ करो बस ये जुगाड़ ही है ये जुगाड़ दाता को अपने एक ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कि अपन कहीं जा रहे हैं और अपने को थोड़ा आराम करना है तो टेम्परेरी कुछ ढांचा बना के वैसे अपन रेस्ट कर लेते हैं तो उसको क्या बोलो ढांचा हो गया ना तो अपन जैसे शब्द होते हैं तो शब्दों को जोड़ मरोड़ के एक ढांचा तैयार करके उसको अपन पेश करते हैं उसको ये ढांचा हो जाता है मतलब शब्दों को अपनी गाने की शैली में जोड़ देते हैं उनको ये ढांचा बन गया राजोटी पचवारा दोनों गीत गाजा गारे ऊंडी पान देख अड़ू का पत छेड़िया के भी काम आ जागा छेड़िया के भी काम आ जागा राजूटी पचवारा दोनों गीत गाजा गारे ऊंडी पान देख अड़ू का छेड़िया के भी काम आ जागा रे पत छेड़िया के भी काम आ जागा गाया जा रे गीत थारो काई गेलो सो गोटू अरे तू गाया जा रे Ah!
पछुआरा के गीत कहते हैं हमारे यहाँ, क्योंकि पछुआरा में ढांचा गाया जाए तो पछुआरा क्षेत्र है ना, जैसे मैंने बताया था जगरोटी, ऐसे वो पछुआरा क्षेत्र है, वहाँ ढांचा गाया जाता है। अब यहाँ उससे ढांचा नहीं कहकर ये क्या कहती है महिला, पछुआरा का गीत। अब ये उनको काम में ले लेती है, नहीं पहले अनन्य प्रकार के सुर थे, जैसा गीत था भात के टाइम पे कुछ दूल्हे आता था, कुछ लाड़ी वालों के घर लाड़ी के गीत, दूल्हे वालों के घर दूल्हे के बर के गीत, और इस तरह से नुक्ताओं में दूसरे गीत, किसी को गंगा जी जा रहा है वो दूसरे गीत, समय समय पर देवताओं के नाम लेती थी, इनको चिरजीवी रखो, इनकी आयु बढ़े, ऐसे। अब वो संस्कृति धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है, तो आज हर आदमी भी नहीं गा सकता, उनको गायक भी इनके सुर। अलग अलग देवताओं के गीत गाते थे नाम लेकर के शादी में, जैसे जैसे चामुंडा देवी के गीत गाएं तो देवी को कैसे कैसे गाती थी, सिंह की भाई सिंगवा कहती अपनी भाषा, सिंगवा बैठे माता ठाणी री भवन पे तो करी हूँ अटकी ओट, माता री तेरे चरण फेरे चारू मेरे, इस तरह कुछ बात गाती थी। तो गाड़ी ढड़क आई मेरो बीरा आयो भाते, बीरा कछु धन मांगू मैं मांगू सिर्फ चूंदी, जे कुओड़े बताऊंगे दौरानी देवे ओड़े मो, मतलब भिन्न भिन्न सुर के गीत, जैसा जैसा समय था अलग अलग, कोई से कोई सी समय के गीत कोई से नहीं मिलते थे।